नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। ये मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं, तो बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले द्विगु समास। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। बहुव्रीहि समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय प्रधान होता है, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो मैंने एक तरफ ऊपर लिख रखा है द्विगु समास के उदाहरण और नीचे लिख रखे हैं मैंने बहुव्रीहि समास के उदाहरण। तो देखते हैं, हम सबसे पहले तिरंगा। तो तिरंगा का क्या हो जाएगा? तीन रंगों का समूह, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। समाहार मतलब क्या होता है दोस्तों? समूह। चतुर्मुख, चार मुखों का समूह। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह। अब दोस्तों, ये ही उदाहरण हम देखेंगे बहुव्रीहि समास में। तिरंगा, तीन रंगों वाला, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव या फिर नारियल। अष्ट अध्यायी, आठ अध्याय हैं जिसके, अर्थात पाणिनि व्याकरण। तो दोस्तों, आप इनके विग्रह पर ध्यान दीजिएगा और विग्रह के अनुसार आप इनके पद पर ध्यान दीजिएगा। जिसने विग्रह समझ जो विग्रह समझ गया उसको अपने आप ही इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आप ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में सही तरह से करके आएंगे।